क्या हुआ? ये मेरी चीज। वाले चीज, तू चीज बड़ी है, बड़ा है मस्त मस्त। 25 ग्राम चीज। 25 ग्राम। 4 स्लाइस ब्रेड, ये वाले दे दो। कितना पसीना पसीना हो गया, ले ले बाबा। ये स्लाइस 4 ब्रेड दे दो, अंडा और चीज। हाय बोलो, हाय बोलो। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग है। चलो चलो काम के लिए। भाई तो मैं आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लॉगिंग बनाने में, रोज बनाने में मजा आ रहा है। गुड। अब जान बीच के करो। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बहुत अच्छा लगा कि आज यू नो शुरू शुरू में पंकज की दर्शन करवाई मैं आप लोगों को। एंड यू नो सीरियसली बोल रही हूँ, आजकल मुझे ना ब्लॉग करने में इतना अच्छा लग रहा है। एवरी डे यू नो कुछ भी बने, मीन्स आई जस्ट डिसाइडेड कि कुछ भी हो बनाऊंगी, कैसा भी हो, जो भी हो। मतलब कभी कभार क्या होता है ना, मन नहीं किया या ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, पर उस दिन को बहुत कुछ अच्छा हो जाता है एंड कुछ इंटरेस्टिंग होता है। एंड यू नो शूट भी नहीं करते रहे यार, ब्लॉग बनाया नहीं, काश आज ब्लॉग बनाती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कुछ भी हो जाए ब्लॉग मैं रोज बनाऊंगी। एंड उसमें ना मजा भी आने लगा है। मीन्स पहली जब मैंने शुरू किया था ना, जब मैं ब्लॉगिंग करती थी, उन 5 सालों में मैं इतना मीन्स इतना एक्टिव, इतना रेगुलर ब्लॉगिंग मैं नहीं करती थी और उतना इंटरेस्ट भी कभी नहीं आता था जितना अभी आने लगा है। मीन्स आई एम कम्प्लीटली क्रेजी नाउ, लिटरली क्रेजी हो चुकी हूँ। एनीवेज पंकज के लिए 2 अंडे का पहले मैं ऑमलेट बना लूँ, फिर आज फिर से बनाना है चिकन करी। सो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग एक बीच पे जाने वाले हैं एंड इवन ट्रैकिंग भी करने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस आ गया। आज हम लोग जुबैदा के साथ बाहर नहीं जाने वाले थे, बट अचानक प्लान हो गया। एक्चुअली एक मिनट गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। गाड़ी कितनी गर्म हो गई है। सॉरी सॉरी, अरे तुम ऐसे करके इस साइड आओगे मुझे कैसे पता चलेगा। सो हुआ क्या, हम लोग उनके साथ आज जाने वाले नहीं थे। हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि हम लोग पहले एक्चुअली पंकज का एक सेमिनार अटेंड करना था, तो मैं भी वहाँ जाने वाली थी, बट हमने वो कैंसिल किया है और टुबैदा के साथ और टुबैदा तनुभावी दीदी इन लोगों के साथ बाहर जाने का हमने डिसाइड किया। एक्चुअली हम लोग निकलने वाले थे 2:30 बजे, बट हमारी वजह से आधा घंटा लेट हो गया। फिर 3 बजे जब कॉल किया कि आप लोग रेडी हो निकलेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं हमें और आधा घंटा लगेगा। सो 1 घंटा पूरा लेट है एंड अभी तक पता नहीं हम लोग कब तक यहाँ से मतलब कुर्चरम से निकलेंगे। सो हम दोनों इंतजार कर रहे हैं एंड अभी तक ये लोग आए नहीं है। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला ये निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, अभी तक निकले नहीं और हम लोग यहाँ पे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं, पहली बार हम दोनों जा रहे हैं कोला बीच। उसका और एक क्या है नाम गोन में, कैसे? खोला। सो खोला बोलते हैं, बट इट्स कोला बीच। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा लोकेशन। एंड पहली बार जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली अगोंडा से पहले है। हम लोग काफी बार अगोंडा गए हैं, अगोंडा में स्टे किए, हट्स में हम लोग रह चुके हैं एंड ऑब्वियसली मैंने वीडियोस भी थे, बट एनीवेज अभी तो है नहीं। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए, पर ये हम लोग पहली बार जा रहे हैं। सो लेट्स सी वहाँ पे। वैसे हमने थोड़ा वीडियोस चेक किए यूट्यूब पे, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड मैंने कभी नाम सुना नहीं, तो कल पहली बार मैंने नाम सुना। एंड बिकॉज ऑफ माई कजन, यू नो माई कजन ब्रदर, क्योंकि उन लोगों को पता चला अबाउट दैट प्लेस, सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग देयर। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है, कैसा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टूडे और टू नाइट वॉट एवर, क्योंकि इवनिंग वी आर गोइंग टू नॉर्थ। सो अभी हम जहाँ जा रहे हैं दैट इज साउथ। सो अगोंडा, कबदराम,
इस तरह की जो जगह है कानकोना, ये सारे साउथ उस साइड में है। सो विच इज ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। वो डिपेंड करता है मीन्स आप कहाँ से आप ट्रैवल करोगे, नॉर्थ साइड से, या जैसे हम लोग साउथ में रहते हैं, हम लोग कॉर्नर में रहते हैं साउथ के, तो साउथ से हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, मतलब 45 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। सो जहाँ से भी आप नॉर्थ में रहेंगे तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू गूगल मैप कि आप लोगों को कितना मतलब कितना टाइम, कितना डिस्टेंस आप लोगों को पड़ सकता है। सो चलिए आप लोग भी हमारे साथ देखिए। और पंकज बाहर देख रहा है, क्या करेगा, पंकज भी बोर हो गया। गाड़ी सो यहाँ पे हमें रोड दिखा जो सामने आप देख सकते, ये वाला जो रोड है इट्स वेरी नैरो रोड, बट हमें लगा शायद रोड नहीं है, बट ये वाला रोड ही हमें शो कर रहा था। सो देन हम लोग स्ट्रेट चले गए थे, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट चले गए थे राइट साइड, बट यहाँ से गाड़ी मूव हो रहे हैं। तो देखते हैं, हो रहा है कुछ तो हाथ निकाल रहे। कोला बीच हम लोग जा रहे हैं एंड दिस इज द कच्चा रोड, एंड जो हम एक्चुअली दिखाई दिया था, बट वी थॉट इट्स अ वेरी नैरो रोड, छोटा सा रोड होगा, बट जब हम लोग फिर टर्न लेके आए तो देख रहे थे कि नहीं, गाड़ी वहां से आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी। तो फाइनली सो चारों तरफ आपको ग्रीनरी से ज्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलेगा, एंड यू कैन सी बिकॉज किस लिए वाह इंग्लिश हिंदी मिक्स। सो ये है मौसा जी, मैं से हाय बोलो। हाय हम लोग यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क किया, आज के रोबर ना सब भूल हमारे भय बस हम भूली। सो हम लोग अभी यहाँ से चल के जाने वाले हैं, रास्ता बहुत ही कच्चा है एंड बोला है कि गाड़ी जा सकता है, बट जस्ट बिकॉज द रोड इज नॉट गुड सो बेटर यू गो बाय वॉकिंग ओनली। ओके सो सुनने में आया है कि आधा घंटा लगेगा यहाँ से बाय वॉकिंग, तो इसलिए दूसरा जो गाड़ी है वो लाया जा रहा है, एंड लोग फिर भी गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो इट्स बेटर क्योंकि हाफ एन आवर वॉक नॉट पॉसिबल बिकॉज मौसा जी भी है हमारे साथ, सो वी आर गोइंग टू टेक द कार। सो यहाँ पे पार्किंग का हो रहा है प्रॉब्लम, द थिंग इज कि ऊपर पार्किंग है एंड वी डोंट नो वो फुल है कि नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि फुल है, एंड जिसके वजह से यहाँ पे सब पार्क करके रखे हैं गाड़ी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल हमारे लिए भी इस साइड से लेके जाना भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज रास्ता भी बहुत ही मीन्स कच्चा है एंड टूटा टूटा है, सो वी कांट गो, एंड ऑब्वियसली स्कॉर्पियो पहले मैंने सही बोला था स्कॉर्पियो, उसके बाद स्कॉर्पियन बोल दी, बाय द वे सनशाइन वाला नहीं। एनीवेज तो देखते हैं हमारा ऊपर जाना होता है कि नहीं, वैसे ऊपर से एक गाड़ी आ रहा है
एंड ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोगों ने पार्क करके रखा है. लेट्स सी फाइन. हाँ बैक टा आते पीछे नहीं आते. सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे पार्क किया है स्कॉर्पियो एंड अभी हम लोग जाएंगे बीच के ओर. सो आप लोग देख सकते हो इधर से एंड सूरज वाओ. चलिए इस जगह के बारे में इनको ही पता चला. हम लोग इतने सालों से गोवा में हमने कोला नाम कभी सुना नहीं. मैंने तो नहीं सुना, पंकज ने सुना होगा आई गेस. थैंक्स टू हिम. बट आज जो एडवेंचर हुआ ना ये लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा. बट गुड चॉइस जो स्कॉर्पियो नहीं है एंड अभी ना और स्कॉर्पियन बनी गई थी. फ्लैश ऑन करी. बाय 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 टाटा. जाओ जाओ तुम लोग जाओ. सो हाँ जीपीएस लगना. हाँ तो सो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं कोला बीच से. सो थोड़ा बहुत ही मैं कैप्चर की बिकॉज मैं उतरना नहीं चाह रही थी. एंड ये मेरा नया चप्पल जो मैंने खरीदा था दैट आई एम वेयरिंग नाउ. सो मेरा मन नहीं था नीचे जाने का, नहीं तो मुझे पैर नहीं भिगाना था. सो इट वॉज अ अमेजिंग टाइम वी हैड ऑल ऑफ अस. सो अभी वो लोग जा रहे हैं समाधा प्लेस वारका एंड हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ. अभी यहाँ से होटल कुछ 5 मिनट की दूरी है बट ये व्यू देखने के बाद ना बिना उतरे और ये वीडियो लिए बिना मैं रह नहीं पाई. एंड थैंक्स टू पंकज कि वो रुका. हेलो पंकज, थोड़ा टायर्ड लग रहे हो. एंड मैं बहुत ज़्यादा सोई, मैं बहुत देर तक सोई गाड़ी में और फिर एक बकवास सा चाय पी. मैं चाय पीने के बाद अच्छा फील हो रहा है. कैसा लग रहा है चेहरा मेरा? हेलो हेलो त्रिशानी. ये हम हैं, ये हम हैं, ये हमारी पार्टी है. नहीं नहीं नहीं, ये हम है, ये हमारे फ्रेंड्स है, हमारी पावरी चल रही है. पावरी 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 चल रही है. ओ माय गॉड, दैट्स कॉल्ड पावरी. तो हम लोग यहाँ पे पावरी कर रहे हैं. तो पाव कीवा में बोले थे इसे. ओके सो ये है त्रिशानी, ये है शुभजीत, अब नाम भूले गए थी रजनी, इन्हें होला अंकित, होलो पंकज. रुको ये मैं हूँ और यहाँ पे पावड़ी चल रही है. पावड़ी. ओह गॉड. सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी रात के हुए हैं 2:25 एंड सच्ची बोल रही हूँ आई एम वेरी मच टायर्ड. मुझे अभी सोना है एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में. सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर अगर पसंद आए तो मेरे व्लॉग. And do subscribe to my YouTube channel also.
टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।